बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुलेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआ अल्लाह ताला से कि आप लोगों को खैर खैरियत से रखे, दुनिया की और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाने जा रहे हैं और वीडियो बनाते ही हम जो है ना चर्सी चिकन कढ़ाई, जो जो चीज़ हम उसमें डालेंगे वो साथ साथ ही हम बताते जाएंगे। तो चलेंगे अभी वीडियो बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख सकते हैं चूल्हा हमने जला लिया है और उसके बाद कढ़ाई भी ऊपर हमने रख दी है। तो इसमें अभी घी डाल देंगे गरम होने के लिए। चर्सी चिकन कढ़ाई में घी हमारा गरम हो गया और अभी नमक डालेंगे एक चम्मच। नमक हमने डाला और अभी ये 2 किलो हमारे पास चिकन है और इसको अभी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं चिकन कलर चेंज कर गया। अभी जो ज़्यादा घी है वो निकाल लेंगे, उतना की घी रखेंगे जिसमें ये चर्सी कढ़ाई बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख सकते हैं ज़्यादा घी जो हमने निकाल दिया है। तो अभी रखेंगे टमाटर, टमाटर जो है वो हम 5 अदद डाल रहे हैं, ये 2-2 पीस किए हुए हैं। और अभी ऊपर से ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जो हमने बना के रखा था ये भी डाल देंगे। और ऊपर से फिर ढक देंगे। 2 से 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट हो गया, अभी ढक्कन उतारेंगे। अभी देखेंगे टमाटर का छिलका उतारेंगे।
अभी हरी मिर्च डालेंगे, ये जो हमने दो दो पीस करके रखे हैं ये डाल देंगे। इसको 5 मिनट तक हम पकाएंगे। और साथ ही दही भी ऐड कर देंगे, ये देख सकते हैं 1 पाव तकरीबन हमने दही ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काली मिर्च देख सकते हैं, ब्लैक मिर्च पाउडर जो है वो डालेंगे। ये देख सकते हैं चर्सी चिकन कढ़ाई हमारी माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और बहुत अच्छी तैयार हो गई है। ये हमारी चर्सी कढ़ाई तैयार हो गई है और अभी अदरक ये देख सकते हैं बारीक बारीक टुकड़ों में हमने काटा हुआ है, ये डालेंगे ऊपर। और 2-3 पीस हमारे पास हरी मिर्च के हैं, ये डाल देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों चर्सी चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत खुशबूदार। और अभी चूल्हा बंद कर देंगे नीचे से। ये देखिए माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी और तैयार हो गई है। तो आप लोग भी लाजमी घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है और ना ही इसमें इतना मसाले जो है हमने डाले हैं। तुम्हारे सामने बनाई है वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक एक चीज़ जो हमने इसमें डाली है वो हम बताते जा रहे थे साथ में, ताकि आप लोगों को बआसानी मालूम हो सके कि कौन कौन सी चीज़ चर्सी कढ़ाई में हमने डाली है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बना के आप दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं। तो लाजमी घर में एक बार आप दोस्त भी ट्राई कीजिए बना के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।